महेश कलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के पाडर कावड़ा में मंगलवार को कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान दो महिलाओं में मारपीट हो गई। जानकारी के मुताबिक भाजपा विधायक राजू तोड़साम की दो पत्नियां हैं। विधायक राजू की दोनों पत्नियों ने बीच सड़क पर तमाशा खड़ा कर दिया और जमकर मारपीट की। दरअसल कबड्डी प्रतियोगिता में विधायक राजू तोड़साम और उनकी दूसरी पत्नी प्रिया शिंदे पहुंची थी, तभी वहां विधायक की पहली पत्नी भी पहुंच गई। जैसे ही दोनों का आमना सामना हुआ, एक दूसरे पर टूट पड़े और जमकर मारपीट की। दोनों ने एक दूसरे के बाल पकड़कर सड़क पर मारपीट की। बाकी राजू जी तो शाम इन्होंने आमदार चषक का बहुत बड़ा आयोजन किया था और उस प्रोग्राम के उद्घाटन के बहाने से हम लोग वहाँ पर थे। और जैसे ही कार मतलब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, हम दोनों जब हमारी गाड़ी से निकले वहाँ पे, तो उन्होंने हमारी गाड़ी पे अटैक किया। पीछे से तीनों गाड़ियों ने आके घेर के सब लोग कम से कम 30-40 लोग बराबर गाड़ी से उतर के गाड़ी के हमारे दरवाजे खोले। वो इतना फोर्स में थे कि गाड़ी लॉक होने के बावजूद भी वो पूरा उन्होंने गेट खोले और इनको बाहर निकाला। रहा है आपको प्रूफ करके उनको फोटोज़ मिले होंगे कि लिटरली मुझे तो, मैंने जब उनको देखा मुझे लगा कि वो शायद मर गया। क्योंकि मैं जिनको जानती हूँ, इनकी पहली पत्नी जो है अर्चना येड में वो थी उसमें। ये मारपीट विधायक के सामने हुई। दोनों पत्नियों ने एक दूसरे के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है। वहीं इस मामले में केंद्र में रहने वाले विधायक राजू तोड़साम का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।